और एक बात करना था, एक हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। उनको हमारा जब 300 के करीब हमारे सब्सक्राइबर थे, तो हमारा चैनल ना अपने आप, हमने हमको पता नहीं था और हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन हमारा चैनल डिलीट हो गया था। तो उन्होंने फिर उन्होंने किसी भाई की मदद की थी, ली थी, उनका नाम है टेक्निकल लववांसी, तो उनकी मदद ली थी। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे चैनल को वापस भी लाया था, तो वही चैनल आज है। तो उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2K कंप्लीट हो गए हैं। अभी वॉच टाइम थोड़ा सा कम है, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो उनका थोड़ा सा उनका सपोर्ट करें। उनका अगर नए चैनल का नाम याद नहीं है पुराना, लेकिन इस नाम से उनका आ जाता है, आप टेक्निकल ऋषभ सागर, आप टेक्निकल ऋषभ सागर करके आप अगर आप उनके चैनल को सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, भाई है हमारा, दीदी कहता है, हमें बहुत मानता है, तो इस उसके सपोर्ट में हमें ये वीडियो बनाया है, और उसके लिए बधाई भी बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपका 2K कंप्लीट हो गया इसके लिए। तो वो बोल रहा था कि उस हमारा जो है दीदी हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना, तो हम वही बना रहे हैं। तो उसको सब लोग सपोर्ट करना, छोटा भाई है और बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आप लोग सब लोग सपोर्ट करना। और अभी हम जा रहे हैं, सब्सक्राइबर तो उसके 2K कंप्लीट हो गए, लेकिन उसका अभी मोनो नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ सब लोग सपोर्ट बनाए रखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी हमें जाना है। तो पहले रुपया ले लो पहले, तो सुबह के टाइम बनाना था, लेकिन सुबह नहीं बना पाया, तो अभी शाम के टाइम में छोला बना रहे हैं। इसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो आज छोला और पूरी बनाएंगे। उसके लिए छोला थोड़ा सा खराब निकल गया, तो फिर आलू बॉयल किए, आलू और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है। अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ये खाना बनेगा। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिया है, ये आधा केजी के करीब आलू है, और ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया, और छोला जो है उबाल के रख लिया है, और ये टमाटर का भी पेस्ट बनाया, और ये हमने उसी कुकर को चढ़ा दिया जिसमें छोला बॉयल किया था, और उसी में हमने डाल दिया है जीरा, और अब डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, उसके बाद में हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये तेल हमारा गर्म हो चुका था, जीरा डाल दिया था, तो उसमें अब हम अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, उसको भूनेंगे, और इधर ये छोला और आलू एक में मिक्स कर लेंगे। खाली छोला भी अच्छा बनता है, लेकिन आज हमने सोचा आलू और छोला बनाएंगे। और उसके बाद में ये प्याज लहसुन थोड़ी देर भून लिया, उसके बाद में डाल देंगे मसाले, और मसाले हमारे जो हैं भून चुके हैं, ये देखिए तेल छोड़ने लगे हैं। इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसको भूनना है हमने, और इसके बाद में हमने डाल दिया छोला और आलू दोनों इसमें, और इनको अच्छे से चलाएंगे, और टमाटर का जो उसमें पेस्ट बनाया था और मिक्सी के जार में पानी धो के और उसमें डाल दिया है, और छोले का पानी फेंकते नहीं है, इसी में डाल देते हैं। और उसके बाद में हमने पानी डाल दिया है अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमें पूड़ी बनाना, और छोले में हमने नमक डाला था, छोला बॉयल करते समय नमक डाल दो तो जल्दी से बॉयल भी हो जाता है। और इसके बाद में हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला,
ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे, घर के लिए बना रहे हैं। और इसमें हरी धनिया, इसमें कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कसूरी मेथी आज हमारे पास है नहीं, इसलिए कसूरी मेथी नहीं डाली है। और इसमें थोड़ा सा घी डाल दें ऊपर से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हमने थोड़ा घी डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, और इसको मिक्स करके चला देंगे। और उसके बाद में देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। और इसके साथ में बनाएंगे अब हम पूड़ी, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। और घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जूस मंगाया था, ये 50 रुपये का जूस है, लेकिन कम से कम इसमें 3-4 गिलास है। और हमें पता नहीं था, क्योंकि दुकान वाले जो हैं उसमें जो चाशनी होती है वो डाल देते हैं, इसलिए बहुत बेकार जूस था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।